क्या पीक फ्रिंग्स का मैरी बिस्किट वेट लॉस के दौरान खा सकते हैं? अक्सर लोग जो वेट लॉस करना चाहते हैं लेकिन एक अफोर्डेबल और लो कैलोरी बिस्किट ढूंढने में उन्हें थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, तो इस छोटी सी वीडियो में मैं आपके साथ इस बिस्किट का क्विक रिव्यू शेयर करने जा रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट कि पर सर्विंग इस बिस्किट के अंदर कितनी कैलोरीज होती हैं। तो अगर आप इस बिस्किट के 4 पीसेस खाते हैं तो आपको 100 कैलोरीज मिलती हैं, इंक्लूडिंग 18 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड 2 ग्राम्स ऑफ फैट, जो कि एक लो कैलोरी स्नैक ही है जिसे आप वेट लॉस के दौरान खा सकते हैं। बस एक चीज़ जो मुझे इस बिस्किट में ठीक नहीं लगी कि इसके अंदर थोड़ी सी शुगर भी है और इसके अंदर फाइबर नहीं है। बट अगेन इफ़ यू वॉन्ट सो यू कैन ऐड 4 पीसेस ऑफ दिस बिस्किट इन ब्रेकफस्ट और इवनिंग स्नैक अलॉन्ग विथ टी, बिकॉज ये बिस्किट उन रोल, समोसे और क्रीमी बिस्किट से बहुत बेहतर ऑप्शन है जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं और फिर बाद में वो आपको मोटापे जैसी बीमारियों का शिकार कर देते हैं। वन मोर थिंग कि इस बिस्किट के साथ आपने अपनी फाइबर और प्रोटीन इंटेक दूसरे फूड सोर्सेज से पूरी करनी है ताकि आपका वेट लॉस जर्नी स्मूथली चलता रहे, क्योंकि इस बिस्किट के अंदर फाइबर और प्रोटीन दोनों ही ना होने के बराबर हैं और ये दोनों चीज़ें वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं।